think that will be something that I would like to share with you just because of my own experience. Dusra, ki mai Girish ji ne kaha ki aap log Professor Satish ji is here and another Professor Rai is here with business management mein hai unka. Jab jo vyakti Bharat ki parampara se aata hai, wo jab nahi dhoondta hai. लोग उसके पास जाप ढूंढते आते हैं. जाप ढूंढने वाली बात होनी चाहिए. अगर आप ऐसे इतनी दम है आपके अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, संस्कृत वालों के अंदर जितनी दम है. और 6 बिलियन के नहीं प्रोफेसर, आई थिंक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 60 बिलियन, एटलीस्ट 60 बिलियन. एक्चुअली दैट मींस दैट वी प्रोबब्ली इन ट्रिलियंस. वी आर एक्चुअली, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट 87.5 ट्रिलियन डॉलर्स दैट यू कैन कंट्रोल इफ यू रियली स्टार्ट वर्किंग हार्ड. गिव एन एग्जांपल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? वो कॉलेज पढ़ने गए, छोड़ दिए. कॉलेज पढ़ा ही नहीं उन्होंने. कॉलेज जो व्यक्ति पढ़ के निकलता है उसको जो नौकरी ढूंढनी पड़ती है. लेकिन स्टीव जॉब्स ने कितने लोगों को नौकरी दी है? सेम थिंग इज ट्रू फॉर बिल गेट्स. बिल गेट्स ऑल्सो वेंट टू कॉलेज एंड ही ड्रॉप्ड आउट. क्योंकि कॉलेज जो है आपको एक वो, तब तो खैर ये सब चलता नहीं, तो घोड़ा भी नहीं, टांगा भी नहीं चलता, हल भी नहीं चलता, नहीं तो बैल के जैसे बैल की जोड़ी होती थी ना. कभी सुना तो होगा आप लोगों ने, शायद आपके जमाने में बैल नहीं चलते होंगे, अब हल में तो ट्रैक्टर चलने लगा. उसको एक बार बांध दिया जाता है ना तो वही चलता है. और इस कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी का काम यही है कि आपको किसी तरह से सिखा दिया जाए. एक्चुअली शिक्षा, आप लोग तो संस्कृत के लोग हैं, शिक्षा की ट्रू मीनिंग जो है वो ट्रेनिंग है. शिक्षा की ट्रू मीनिंग ज्ञान नहीं है. जो शिक्षक होता है, वी आर ट्रेनर्स. अगर आपको ज्ञान लेना है तो गुरु को ढूंढना पड़ेगा. शिक्षा से सिर्फ शिक्षक आपको सिर्फ ट्रेन कर सकता है. और एक बार आपको ट्रेन कर दिया तो आप और कुछ करेंगे नहीं, वही करते रहेंगे. ये बहुत कुछ लोग तो बहुत ही कम उसमें भी लो स्तर के होते हैं, तो फिर वो वही करेंगे. तो जैसे हम प्रोफेसर हैं, हमारा स्टूडेंट भी सोचा कि मैं भी प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं भी ऐसे ही करूँगा, और वैसे ही करता रहता. बहुत सारे लोग जो पीएचडी करते हैं, जेएनयू जैसी जगह पर आते हैं, कहीं ना कहीं पर जाके लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह के फैकल्टी पोजिशन कोई ना कोई ले लेते हैं. तो मैं अब आपको एक पहली बात बिजनेस की एक आइडिया बताता हूँ. मैंने किसी से सीखा अमेरिका में. जैसे आज कौन सा दिन है? आज बिजनेस डे है. आप लोगों ने बोल दिया तुरंत. जगह जगह अगर आप कभी बिजनेस में निगोशिएट कर रहे हैं तो जवाब कभी मत दीजिए इसका, क्योंकि जो आपका एडवर्सरी है वो तो किसी कारण से पूछ रहा है. बिजनेस में अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आज वेंस डे है, तो यू शुड आस्क कि हमको क्या मिलेगा. तो अगर आपको इसका वैल्यू समझना है संस्कृत की, तो पहले ये समझना जरूरी है कि जो बक बक करते रहते हैं चारों तरफ घूम के, बंद करना पड़ेगा. उसके सीखना पड़ेगा, अपने के अंदर संयम रखना पड़ेगा. बहुत बार आपको बोलने की जगह, यहाँ तो जेएनयू में तो खूब बुलाया जाता है, बच्चों बोलते नहीं हैं, लेकिन आप खूब सीख लीजिए बोलना, उसके बाद चुप रहना सीखिए. देखिए आपको किस कहाँ पे आवश्यकता है, तब आप बोलिए वहाँ, तब वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी. ऐसे हम सिर्फ 6 बिलियन, तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं जब 2015 में यहाँ पे आया था, रामनाथ झा जी थे, बोले कि हमने कहा कि गवर्नमेंट तो आप लोगों की अपनी है, तो उसमें उनसे कुछ संस्कृत के लिए मिलना चाहिए. बोले वो लोग बोलते हैं आईटी में बिजनेस है, संस्कृत में तो कुछ है नहीं. तो मैंने उनको ऐसे वहाँ पे लान में जोड़ के बताया था, 46 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस होता है संस्कृत में. क्योंकि जितनी पूजा होती, जितना जीवन, जितना मरण, जितना विवाह, जितना त्यौहार, वो तो संस्कृत में ही होता है. आप उसको आप जोड़ लीजिए तो आपको मिनिमम 50 बिलियन होगा, मिनिमम. मैंने पूरा जोड़ने का कोशिश किया तो उसमें बहुत ज्यादा है. सिर्फ दुर्गा पूजा पे 27.2 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, सिर्फ दुर्गा पूजा पे. दिवाली पे इससे कम ज्यादा होगी. और ये सारी चीज आप संस्कृत वाले बोलिए नहीं, मतलब ये पहला वाला अध्याय याद रखिए कि संस्कृत बाप बात बताइए नहीं, इसे फ्री में मत बताइए, उसके एक कोई नमूना निकालिए. लोग जैसे दिवाली तो हर जगह होती है, हर घर की, लेकिन दिवाली अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है. आपको उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो मॉडल बनाना पड़ेगा, हर परिवार के लिए अलग से बनाना पड़ेगा. अगर आप बनाएंगे तो पूजा तो सबके यहाँ होती है, आप उनके लिए अगर एक तरह से प्राइवेटाइज कर देंगे उस चीज को, तो वो सभी लोग खरीदेंगे. तो आप घर बैठे बहुत अच्छा कमा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
लेकिन ये तरीके जो है हम लोगों को नहीं मालूम है। ये तरीके वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी चलते हैं, वहाँ पे हम कोई भी एक छोटी सी आइडिया भी है, आजकल तो मैं यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेके अपना इंस्टीट्यूट खोला हूँ, हमारी एक कंपनी भी है, तो उसमें हम लोग आए दिन पैटर्न फाइल करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी आइडिया है उसकी वैल्यू है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पैटर्न फाइल हुआ नहीं कि लोग निगोशिएट करने वाले आ जाते हैं, सोचते हैं कि आपका ये टेक्नोलॉजी जरा से अगर फाइल हुआ तो अभी हमारा दो पैटर्न फाइल हुआ है, दो पैटर्न के लोग लेने पहुंच गए, क्योंकि उसमें आप तरीका होता है कि अगर आज वेंसडे है तो वेंसडे कहने के लिए आप हमको क्या मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जाहिर होती हैं, दे आर ऑल नोन, वेरी वेल नोन, बट द पॉइंट इज दैट व्हाट यू हैव टू से विल मेक ह्यूज डिफरेंस। व्हाट प्रोफेसर झा सेज, बिकॉज ही इज डीन, ही हैज बीन टीचिंग दिस, ही हैज बीन हियर फॉर लॉन्ग टाइम, एंड हिज ओपिनियन विल वैल्यू, that will put value to that. Actually, there is a student of mine, actually not my student, he's a student in Allahabad University, and I think he's not here. Alok, are you around? No, he's not here. I thought he was going to come. I gave a lecture last year in September in Allahabad University, and he changed his major, his topic. He's in philosophy student. He changed his topic because philosophy, people think philosophy is useless thing. I told him that philosophy is so valuable. You know everything, and this is how I am trying to connect Sanskrit, Indian philosophy, deeper Indian philosophy, all of it in Sanskrit. And the meaning of Sanskrit is not as simple as even the professor might have told before. Meaning of Sanskrit, I went to a person about some technology I will talk about, and he told me that there is every sutra has six meanings. Suna aap logon six meanings suna hai? Kaun kaun si? Sangya se parivasa cha abhideshwari karan vidhya niyam hai bacha sangyam sutra. Bhavad vidhya. Hindi mein bataiye kya matlab? Sangya sutra, parivasa, vidhi, niyam, adhikar, abhidesh. Ye to isme aur jud jayega, jo unhone bataya main unka interview liya, record kar liya tha. उन्होंने कहा डॉक्टर शास्त्री नाम है, बीबीके शास्त्री, नॉट नॉट बीबीके शास्त्री, इज अनदर शास्त्री हु इज हुई एक्चुअली ज्योतिषाचार्य, ही इज नॉट ए, ही केम टू मी इन अमेरिका टू वर्क ऑन केमिस्ट्री विद मी, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड, दिस गाय इज अ ज्योतिषाचार्य, ही इज आस्किंग अबाउट केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही मेक्स नैनो मटीरियल्स बेस्ड ऑन केमिस्ट्री नॉलेज दैट ही लर्न फ्रॉम संस्कृत. So when I asked him how the hell he got this, all this whole idea, so he told me there are, in the interview this morning I played it and I wrote it down because I didn't remember, but I remember he told me, so. He said, David, Vakyarth, Sutrarth, Laksharth, Bhashyarth, Yagyarth, and last one he said many people don't know is called Ausadhyarth. And Ausadhyarth is what he was using to make nanomaterial. As some guy who is just a Jyotishachar. So Sanskrit is a Sanskrit and then Sanskrit is Sanskrit. There you have to really know all that. And then ये सिर्फ ये मतलब इतना जाने नहीं, जैसे मुझे प्रोटीन आता है, मैं प्रोटीन केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मुझे प्रोटीन आता है, लेकिन प्रोटीन में हार्मोन कौन सा है ये तो किसी इंडोक्राइनोलॉजी से पता लगेगा, या कि आई हैव टू लर्न अबाउट इंडोक्राइनोलॉजी, इट्स लाइक सतीश वाज टॉकिंग अबाउट that you have to connect things. You cannot just leave one this way and the other that way. If I know about hormone, then I have to know if it is a synthetic, or I have to find a bacteria to make it. So I have to know microbiology also. If I didn't know that, I just only knew protein, I will be roaming around with protein worth nothing. But if I were able to connect with everybody, I might be able to make a drug, and that might be worth something. Ye cheez. But now I need to see if I can use some of my slides. So the topic, of course, you already saw that opportunities and needs of Sanskrit knowledge, Sanskrit-based knowledge. India का जो पुराना knowledge है और बहुत ही गहरा knowledge है, मैं science के आधार पे ये कह सकता हूँ बहुत गहरा knowledge है, वो Sanskrit में ही है. और Sanskrit को Sanskrit वाले भी नहीं समझ पाए क्योंकि वो विज्ञान नहीं जानते, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो विज्ञान नहीं जानते, तो संस्कृत तो खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ विज्ञान में किया जा सकता है ये उनको नहीं मालूम. और चूंकि विज्ञान या संस्कृत की का ग्रामर तो हो सकता है फिक्स्ड है, लेकिन समय तो बदलता रहता है, युग परिवर्तन तो होता रहता है, युग के आधार पर चीज़ों को दूसरे हिसाब से बोलना पड़ता है. विज्ञान जो है इस मामले में बहुत आगे है,
कि वो हर चीज़ नई नई चीज़ें ढूंढता रहता था। कुछ दिन के बाद संस्कृत का कोई मतलब नहीं निकल। कोई कहता है कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान होता था, हमारे यहाँ बहुत सारी और चार चीज़ें हैं। पुष्पक विमान के हम लोगों ने प्रोफेसर गिरिजा हमारा शुरू हुआ जब कोलाबोरेशन आई थिंक 2008 या 2010 में, तो हम लोगों का वो एक वन ऑफ द आइडिया वाज टू सी व्हाट पुष्पक विमान वाज रियल और नॉट, बिकॉज़ वन ऑफ द आइडियाज वाज टू ट्रांसलेट सम टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द साइंस इन इट। मे बी इट इज आई डोंट नो दैट आई नेवर बिलीव देयर वाज पुष्पक विमान, बिकॉज़ अपने हर लोग क्लेम भी बहुत करते हैं ना, हर चीज को क्लेम कर लेते हैं। तो बट द पॉइंट वाज दैट पुष्पक विमान में 72 तरह के आइटम्स लगते हैं। तो डॉक्टर उमेश आपके पोस्ट डॉक थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि देयर आर 72 आइटम्स, only 7 of them we know what they are, we don't know the rest of them, their names are written। so jise aaj chemistry ka knowledge hai, chemistry mein calcium hai, fluorine hai, chlorine hai, maan lijiye 1000 saal baad hum sari chemistry koi kitab kisi ko mile lekin usko ye sab malum na ho to kya karega, mano usko angrezi bhi malum hai lekin ye nahi malum chlorine ka matlab kya hota hai, to wo kya karega, to ye dasha ho gayi hai, aisa sambhav hai। to isliye hum koshish karein कि हम जितना चाहें जितना हो सके उतना चीज़ों को जोड़ें। तो एक चीज़ होगी स्वॉट एनालिसिस होती है, इसमें आप लोग बिजनेस विजनेस वाले जानते भी होंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती है, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज योर वीकनेस, थ्रेट कम्स फ्रॉम दैट वीकनेस। इफ यू आर वीक समवेयर देयर विल बी थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन, यू नो दिस इज बाय द वे दिस एनालिसिस यूज फॉर एनीथिंग, दिस इज यूज एज फॉर मिलिट्री पर्पजेज ऑल्सो, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए युद्ध स्तर पर हमको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अब आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि संस्कृत का उपयोग या कहाँ पर हो सकता है, साइंटिफिक चीज़ों में हो सकता है जैसे मैंने कुछ आपको बताया, या इन्वायरमेंटल चीज़ों में हो सकता है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग ऑन इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक टर्म्स में हो सकता है, सोशल चीज़ों में हो सकता है। आप सोचते होंगे सोशल से क्या लेना देना है, वो तो पोलिटिकल पार्टीज करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इतना पैसा खर्च होता है तोड़ पोड़ मरोड़, तो आप जानते हैं जेएनयू में हुआ या जेएनयू में भी हो जाता है कि अगर देश में अराजकता फैलती कितना नुकसान होता है। अमेरिका में लोग ये कैलकुलेट करते हैं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ एक दिन में अगर कोई काम नहीं किया तो, यहाँ तो आए दिन ऐसा होता रहता, छुट्टी होती रहती है, कोई रहता ही नहीं ऑफिस में, कितना नुकसान होता है। तो सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल हार्मनी। एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है। राजनीतिक तो आप देख ही रहे हैं, राजनीति से वैसे सोचते हैं उसे सब चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, नहीं, अगर वो व्यवस्था किसी तरह की बनाए हुए हैं उसमें आप फंसे हुए हैं, हम लोग सोच रहे हैं इससे अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो रहा है। आप सभी का दो दो तीन तीन पीढ़ी घर बेकार हो जाती, कभी कभी दो दो तीन सौ साल, अब भारत के जैसे देश में 1000-1500 साल से ऐसा नुकसान हो चुका है। तो ये सोचने वाली बात है कि राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ सरकार चला रहे, राजनीति आपका जीवन चला रहा है। आज का युग ऐसा हो गया है कि एक बच्चा पैदा होने के पहले वो सरकार का बच्चा हो जाता है, क्योंकि सारे कानून सरकार के लगते हैं उस पर। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर इतना ज़्यादा, राजनीति वाली बात मैं कर रहा हूँ, मुझे अराजकता फैलाने के यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, जब बच्चा जिस दिन कंसीव होता है उस दिन सरकार के नियम उसके ऊपर लग जाते हैं। सरकार आपको कुछ देगा कुछ नहीं, बच्चा पैदा हो गया नहीं, बच्चा छोड़ दीजिए, बीबी जिस दिन आई या हस्बैंड जिस दिन आया उस दिन उसके ऊपर सरकार का अधिकार, सरकार ये बताएगी कि आप किससे कैसे बोलें। अब आजकल तो मीटू भी चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगर बीबियाँ शुरू कर दी मीटू तो क्या दशा होगी लोगों की, और वो तो इसमें तो खैर हस्बैंड भी मीटू कर सकता है क्योंकि हस्बैंड की भी दशा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती शायद इसलिए नहीं हो रहा हो। तो मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि सरकार जो है हर चीज़ चलाती, बच्चे का पालन पोषण आप करते हैं लेकिन कानून सरकार के चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये समझें कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, वो आपके सोच समझ के हिसाब से हो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमने वोट दे दिया, लेकिन कितने लोग जानते हैं कानून बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, नहीं जानते हैं। तो पॉलिटिकल भी ऐसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, देख ही रहे हैं मीडिया का कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है आजकल, तो हर चीज सोशल मीडिया में होता है, और देयर आर सो मेनी अदर इनिशिएटिव्स आर टेकन दैट यू डोंट इवन नो व्हाट दैट मींस। At least at that point, you know, the whatever university takes initiative, students don't understand. Sometimes faculty also don't understand. They find out after 10 years that it was useless or it created so much problem. Or maybe sometimes it's also very good thing.
So this is all very important. These are aspects. It's a huge topic, obviously. I've already spent 15 minutes of my time in just introducing this. Only second slide. And I do have 57 slides. So no, I wouldn't go that far. I will finish on time. And no, it doesn't matter that I have to go through the slides. So Sanskrit and money is the first thing that Professor Jha really wanted me to talk about this. So I do have here 87.5 trillion dollar market. Actually, it says 2016 is wrong. It's 2018 projected value. It's based on June estimate of June 9th, 2018 from IMF. So that is the total GDP of the world. And since we believe Jatha Pinde Tatha Brahmande, aapke andar jo wahi sara bahar hai. Aur we also believe aham brahmasmi, matlab wo sara hua hum wapas bhi le lete hain. Matlab ye hamare hi se nikalta hai, hamare andar hi samapt ho jata hai. Ye aap log mante to hai, padha to hai kam se kam, nahi mante to nahi mante, padha to hai na ye. Ab isko atmasat karne ki baat, ki Jatha Pinde Tatha Brahmande jo aapke andar hai wahi sara sansar hai. और अहम ब्रह्मास्मि मतलब वो जो ब्रह्मांड जो है वो पूरा हमारे अंदर ही समा जाता है. अब सारी व्यवस्था आपके यहाँ चलती है. हमारे यहाँ का जो ये सिंपल चीज है इसको आप हर जगह पे लगा सकते हैं. सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ स्पिरिचुअल अध्यात्म की बात कर रहे हैं या फिलासफी की बात कर रहे हैं. ये चीज आप यहाँ से शुरू कीजिए. अब आप स्टीव जॉब्स का उदाहरण ले लीजिए और बिल गेट्स का. दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग हैं ये लोग. इनको कॉलेज में छोड़ते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कॉलेज में. स्टीव जॉब्स तो कुछ दिन गए तो फीस बिना फीस दिए, मालूम है आपको कहानी, बिना फीस दिए क्लास में चले जाते थे. प्रोफेसर को याद तो रहता नहीं था कौन विद्यार्थी कौन है, क्योंकि वो सोचे कि मुझे पढ़ना है कि मुझे डिग्री क्या लेना देना है. एंड यू नो वन ऑफ हिज कोर्सेज वाज ही टुक आर्ट क्लास. वो अभी आप सोचेंगे कंप्यूटर वाला आदमी आर्ट क्लास क्या कर रहा था. ही टुक आर्ट क्लास एंड लर्न हाउ टू राइट इन डिफरेंट कर्सिव. And that's why, this is why he was able to create fonts. Before Apple computer, there were no fonts. There was only one thing that used to be in green, and it will be blinking, and then only one type of letter that will be typed. Now he is a guy, because he was in art class, he created fonts, and that is so famous now. I mean, that's the trademark of Apple. They keep coming in the same kind of ideas. So because he believed that he can do this, whole world is really for me to own. So that is, you know, if you are really thinking about money, I think that is the first thing for you to think, and it comes from Sanskrit. Yatha Pinde Tatha Brahmande. Hum bhi aapke hi andar hai. Aap humko control kar sakte hai. Bahut sare log control karte hai. Ghar ke log control karte hai. Bacche control karte hai. Mata pita control karte hai. Bhai behen control karte hai. Bibi ka naam nahi le raha hu, kyunki wo to control karti hai. To sare ke sare log, kyunki wo आप सारे लोग कंट्रोल कर सकते हैं. हमको सारे लोग, आप सारे में से मेरा कुछ नेचर जानने वाली बात, जो लोग हमको जानते जानते अगर मुझे चिट्ठी लिखते हैं, कोई मेल लिखते हैं, हमको ये बता दीजिए, राघवेंद्र मिश्रा वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको मालूम है, तो मुझे वो जवाब देना ही देना है. क्यों? क्योंकि ये तो JNU से आ रहा है, दूसरा अगर संस्कृत से आ रहा है, उसमें संस्कृत वाले में, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इतना तो मानना ही पड़ता है, कुछ जवाब तो देना ही देना है. तो आप हो गया आपका कंट्रोल कि नहीं, सिर्फ आपको ये मेरा नेचर जानने वाली बात है. इसी तरह सभी का नेचर है यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री संस्कृत वाली जो 6 बिलियन के बता रहे थे, देखिए हॉलीडे बैटल रॉयल इंडिया 27.5 बिलियन डॉलर कॉमर्स इंडस्ट्री. दिवाली का है अभी आने वाली. किसी ने पूछा व्हाट इज द संस्कृत नेम फॉर बिजनेस. अब उसको उन्होंने व्यापार लिखा. व्यापार का मतलब आप लोग जानते होंगे संस्कृत में क्या होता है व्यापार का मतलब. मैं नहीं जानता, मैं सोचता व्यापकता से जुड़ा होगा, क्योंकि व्यापार में व्यापकता जरूर जुड़ी होगी. मतलब वो वही हुआ ना, हम अपना जितना बढ़ता ही जाता है, जो चीज फैलाव होता हो उसको व्यापार कहते हैं. अभी अब आप सोचेंगे, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, आप संस्कृत में ही ये शब्द अगर ढूंढना है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा. उसी तरह से एक आदमी, एक बच्चे ने, स्टूडेंट था, उसने कॉलेज में थोड़ा सा आइडिया सोचा कि पूजा की किट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब सभी को मैंने कहा ना इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा आपको संस्कृत. उसने सोचा कि सबको बड़ी जहमत होती है. पहले ज़माने में था, सबको फुर्सत रहती थी, पंडित जी आते थे, पुरोहित आते थे, वो अपना दो दिन तीन दिन पहले से उनको बता दिया जाता, सब लोग दौड़ रहे हैं. तो उनको किट उसने बना दिया, और उसका इस समय 5 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, और बढ़ रहा है खूब जोर से बढ़ रहा है.
सिंपल आइडिया की किट बना दो जिससे सब लोगों को आसान हो जाए। मैं ये 15 साल पहले बोला था किसी व्यक्ति से कि अगर आप इंडिविजुअलाइज कर दीजिए संस्कृत की पूजा, इंडिविजुअलाइज करने का कंप्यूटर वाले से पूछिएगा, ये बता देंगे कैसे करना है इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज कर दीजिए। और अगर आप कस्टमाइज कर देंगे तो आप संस्कृत की पूजा में आप उसको भी अपने तरह तरह से कर सकते हैं, और व्यक्ति अपना ले लेगा, सोचा कि ठीक है तो बहुत सिंपल सी आइडिया है। आप ये सोच सकते हैं अगर आपको इसमें इस विषय में आपका इंटरेस्ट है, पूजा में, मंत्र में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि अभी कई स्टडीज निकली हुई हैं कि मंत्र किस तरह के मंत्र बोलने से किस तरह के भाव पैदा होते हैं, ये हो रहा है नहीं, आपको मालूम नहीं होगा कि ये हो रहा है कि किस तरह के जीन एक्सप्रेशन होते हैं, आप किस तरह की म्यूजिक सुनते हैं उससे कौन कौन जीन आपके अंदर एक्सप्रेस होते हैं ये अलग अलग होता है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं उससे कौन से अलग अलग जीन आपके अंदर एक्सप्रेस होते हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसे, ऐसे लोग बोलते हैं जिसके साथ उठे बैठे वैसे ही संगत के आधार पे हमारा हमारा चरित्र बनता है, हमारा व्यवहार बनता है, उसी तरह से अब इसका उसका भी आधार मिल रहा है इसमें साइंस में कि उसके आधार पे आपके जीन एक्सप्रेशन बदलते हैं, और जीन एक्सप्रेशन के बहुत अनगिनत तरीके हैं आपके जीन एक्सप्रेशन बदलने के। तो इस तरह से अगर आप इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज कर देंगे चीज़ों को तो उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। यू नो दिस इज अ मेडिसिन बाय द वे, मंत्र वगैरह जो है वो उससे बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन 80% हमारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध है सारी दुनिया में दवाइयों के लिए, एक डिजीज के बेसिस बताने के लिए, एंड दे हैव कम अप विद दिस आइडिया दैट 80% ऑफ डिजीजेस डॉक्टर्स विजिट्स एंड हॉस्पिटल विजिट्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस खत्म कर देते हैं तो 80% दुनिया का हेल्थ केयर का बजट कितना है मालूम? हेल्थ केयर का बजट $10 trillion है, 80% आपका, अगर आप उसको रिलैक्स कर दीजिए, आप स्ट्रेस खत्म कर दीजिए वो आपका, क्योंकि सारे लोग अब इसलिए योगा इंडस्ट्री, आयुर्वेद इंडस्ट्री क्यों आगे बढ़ रहे हैं, योगा इंडस्ट्री कितना बड़ा बजट है, योगा इंडस्ट्री मालूम कितना बड़ा? $80 billion, $80 billion, एंड डज नॉट इंक्लूड योगा क्लोथ्स, योगा क्लोथिंग, योगा मैट, योगा पैंट, योगा कैप, वट एवर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। मैं अनुजा से बोल रहा था बिकॉज ही लर्न फैशन डिजाइन दैट सी शुड थिंक अबाउट दैट, यू नो व्हेन यू डिजाइन फॉर मोस्ट ऑफ थिंग्स ही टोल्ड मी दैट दे ऑल डिजाइन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न वे, आई मीन आधुनिकता ले आई अपने हिसाब से ना, अगर दूसरे की आधुनिकता अपनी खोपड़ी पर रखेंगे तो फिट नहीं होगी ना। आधुनिकता लाना है तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि वी थिंक अगर आधुनिकता सिर्फ लाना तो वेस्टर्न वर्ल्ड से लाना है। तो हम किसी कभी गए थे IMIT यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फैशन शो हो रहा था, वो सारा वेस्टर्न वर्जन शो हो रहा है अपना, अभी वो खरीदेंगे उनका, किसी और का खरीदेंगे, हो सकता है आपके लिए उपयुक्त भी ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर अपना बनाएंगे तो आप बेच तो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था संस्कृत वालों को जाप देना चाहिए, जाप लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, जाप देने के चक्कर में रहना चाहिए। तो ये मैं, और दुर्गा पूजा का 40,000 crore का बिजनेस चलता है, कॉलेज का मैंने आपको बताया। तो अभी आप थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बताता हूँ, ये तो अमेरिका के मेरे पास डेटा है कि 51.1 million स्टूडेंट्स एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एंड यू नो सो सो एंड ऑल दैट डिटेल्स। बट द वर्ल्ड का देखिए 131 million स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, जिसमें आप बैठे हुए, एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2025, 8 million स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड, इतनी बड़ी लुक्रेटिव वो है। अब आप सोचेंगे कितनी बड़ी मार्केट है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम जो है टूट रहा है। आप लोग हमको लग रहा होगा कि काफी अमेरिकन सिस्टम because that is the best one, and it is best one, but it isn't as good, maybe the best one of all the thing that is available. Future of America's education system, they are saying by 2025, they don't think they will have universities as we know today. By 2025, ज़्यादा दिन नहीं है इसका। तो ये सोचने की बात है कि हम इसको क्या करने वाले, क्या होने वाला है आगे। तो पहले एजुकेशन के बारे में देखिए, अमेरिका के एजुकेशन क्यों बना हुआ है, हमारा एजुकेशन क्यों बना में फर्क है। ये थॉमस जेफरसन, सारी बात ये थॉमस जेफरसन नाम हो, ही इज नोन एज अमेरिकन फाउंडिंग फादर, हमारे यहाँ भी है फादर ऑफ नेशन। उन्हें एजुकेटेड सिटीजनरी इज ए वाइटल रिक्विजिट फॉर आवर सर्वाइवल एज फ्री पीपल, इज नॉट टू मेक मनी एंड गेट जॉब, वेरी फंडामेंटल आइडिया दैट एनी पर्सन बोर्न आफ्टर दैट डे
should ever acquire the rights of citizenship, which means the voting rights, until he could read and write of all those which have been thought of for securing fidelity in the administration of the government. It's very important to read that. The free people here, and this is whole purpose is to have their fidelity in the administration of the government. The government makes all the things to survive itself. Whatever you need, whatever they can sell you, they will do that. So education is then there, like that. Your father of nation, the man I think has had a liberal education, who has been so trained in youth that his body is the ready servant of his will and does with ease and pleasure all the work that as a mechanism it is capable of. एकदम उल्टा है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ आपको फ्रीडम, आप जो कैपेबल हैं वो करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए. यह महात्मा गांधी का आइडिया. शशि तिवारी जी इज हियर. आई हर्ड आई मिस्ड द मीटिंग इन डालस बिकॉज़ आई वाज विजिटिंग इंडिया दैट टाइम, बट आई वांटेड टू कोट एक्चुअली समथिंग, बट यू नो आई डिडंट हैव टाइम टू राइट एवरीथिंग. बट शी स्पोक ऑन वैदिक ट्रेडिशन फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग, एंड a few things that I picked up was jigyasa based learning. If you don't have jigyasa, if you don't have inquisitiveness, if you don't have curiosity to know, and she went on, if you can find that video online, if you are interested, just look up for her name and waves, you will find it. And so teaching is not as important as learning. If you are here to learn, you will make sure that you learn from me. If you're not here to learn, no matter what I tell you, you're not going to learn. So, हमारे यहाँ की परंपरा है कि आप जिज्ञासु बने तब आप सीख सकते हैं. उसमें बहुत सारी और डिटेल्स भी हैं, हमने ये थोड़ा सा उपनिषद से आपके लिए कह दिया. फिर मेरा हम लोगों का आइडिया, वी आर एक्चुअली एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज वेयर आई एम नाउ सेटिंग अप माय टीचिंग एंड अदर थिंग्स. वन ऑफ द एरियाज इज एजुकेशन, एंड आई जस्ट वांट टू गिव टीज यू विद सम आइडिया. लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि तो जंगल में जाके रहते थे, और आज के ज़माने में कहाँ ये सब हो सकता है, पुराने ज़माने की चीज़ कैसे आ सकती है. आज के ज़माने में अगर ये आना है तो जिसके पास सेलफोन है ना, वो स्मार्टफोन, वो आप बगल में चाहे पूरा दंगा हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो अपना बैठे हुए अपने, दे आर टोटली आइसोलेटेड. द ओनली रीजन वी यूज टू गो टू जंगल सो दैट वी आर आइसोलेटेड. यू ऑलरेडी हैव द मशीन टू बी आइसोलेटेड, व्हाई डू वी नॉट यूज इट. दूसरा, हमारे यहाँ पहले लिखा पढ़ी नहीं होती थी, सब शब्द ओरल चीज होती थी. अब लोग बताते हैं जमाने में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता इसलिए ऐसा करते थे. ये अपनी दिस इज हमारे अंदर हीन भावना है. अब मैं आपको, आप लोगों को चैलेंज भी कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे दर्शन शास्त्र के हैं, नॉलेज तो आकाश तत्व में होता, ये तो मानते हैं. उसका उसकी तन्मात्रा क्या है, शब्द है. और लर्निंग थ्रू चैंटिंग होती थी, तो मतलब शब्द के आधार पर ही लर्निंग होती है. अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट के स्टूडेंट से सीखना चाहते हैं, भाई अगर जहाँ पे स्रोत है ज्ञान का, अगर वहाँ उस भाव से आप सीखते हैं, उस तन्मात्रा का उपयोग करते हैं, तो आप ज़्यादा सीखेंगे. ऐसा हो रहा है, कई भी स्टडी कई हुई, कोई जेम्स, डॉक्टर जेम्स हार्टवेल हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग मंत्रोच्चारण करते हैं उनका ग्रे मैटर बढ़ जाता है. वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है. तो अगर हम आज के ज़माने में आपको सिर्फ बोलने में चैंटिंग, आपको मशीन तो मिल जाएगी, उसी मशीन पर बड़े आराम से चैंटिंग सुन सकते हैं. तो हम उसका उपयोग, जो हमारे ज़माने की पुराने ज़माने की चीज़ को आधुनिकरण करने की बात है, आधुनिकरण इस तरह से करें, इसके अलावा कि हम बाहर की चीज़ों के हिसाब से करें, हम अपने हिसाब से अपने को उपयोगी बना सकें. तो अब राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तन्मात्रा जो इनकी है वो पृथ्वी और उसमें क्या बोलते हैं उसको, अग्नि तत्व में होती है. तो वो अभी बाद में थोड़ा देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो, कि इसका उनके हायरार्की कहाँ पे है. जहाँ तक इस संसार के सृजन की बात है, वो आकाश तत्व से शुरू होता है. तो आप वहीं से अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपका ज्ञान ज़्यादा संपूर्ण होगा. क्योंकि जो इंजीनियरिंग के लोग अगर कुछ थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि एवरी स्टेप हैज एन एफिशिएंसी व्हिच इज लेस देन 100%. सो इफ यू हैव 5000 स्टेप्स टू स्टार्ट समथिंग, यू प्रॉबली लाइकली लर्निंग वेरी लिटिल. बट इफ यू हैव नॉट दोज मेनी स्टेप्स, देन यू लर्न लॉट मोर. These are just conceptual things. How to implement, you have to find collaborations in the computer science, in business, and you will be able to do it. Life solistics goals, Bharat ke hisab se, freedom, independence, and equality. Equality doesn't mean
I and you are equal. We are not. You know, I look differently. My fingerprints are different. My parvari samari alag se hui hai. I have different kind of experiences. Mera DNA alag hai. Meri physical strength alag hai. Meri boli alag hai. Sab cheez alag kaise equal ho sakta hai? Nahi, but equality ka matlab hai ki it should be equally important whatever you do. So इसको करने के लिए हमारे यहाँ योग का अभ्यास करवाया गया, जैसे प्रोफेसर झा बोल रहे थे कि हम योग करके अगर देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ योग दो दिन योग किए तो हो गया. नहीं, मैं भी सोचा था, मैं तो योग करता ही नहीं था, बट आई डिड नॉट वांट टू गो टू लर्न योग, आई डिड बिलीव इन इट. लेकिन माय वाइफ काइंड ऑफ इंसिस्टेड एंड आई हैड टू काइंड ऑफ लिसन टू माय वाइफ, सो आई वेंट देयर एंड देन आई लर्न एंड देन आई लर्न दैट आई हैव टू डू इट एटलीस्ट फॉर 3 months बिफोर आई मेक अ जजमेंट ऑन इट. So when I made it 3 months, it started working. And then judgment is that is very useful. You know, 2001 से literally I have not taken any tablets. तो लेने की दवाई नहीं जरूरत नहीं पड़ती. मैं जारी दुनिया में घूमता रहता हूँ, कोई दवा लेके नहीं घूमता कभी. तो to understand self, इसमें स्वाध्याय की बात है. आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि क्रिया योग की जो परिभाषा है, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग. तो अब इसके मतलब तो लंबा है, इसमें कई लेक्चर हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ. स्वधर्म और इंडिपेंडेंस जुड़ा हुआ है. जब तक आप स्वधर्मी नहीं होंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते. तो उसमें है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भया हुआ, ऐसा लिखा हुआ है. अब आप उसको करके देख लीजिए हमारे हिसाब से. आके आप यहाँ खड़े हो जाइए, इसी टॉपिक बोलने को पता लग जाएगा. जब हमारे क्लास में बच्चे कभी कभी बोलते हैं, अमेरिका में बोलने लगते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज करता था कि आप यहाँ आए, मैं वहां जाता हूँ. इतना डर लगता उसके बाद सब चुप, कोई नहीं बोलता था कि पर घर में भरा भरा हुआ, कहाँ तक आएंगे, वहां नहीं आएंगे. तो नेचुरल एक्शन जो है, कर्म विदाउट अटैचमेंट, निष्काम कर्म की जो बात है, वो आपको फ्रीडम देता है. और विद्या वही है, सा विद्या या विमुक्ता है. तो इसको करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है, कभी कभी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना. और ट्विस्ट का मतलब ये सिर्फ तो योगा वाली ट्विस्ट है, ऐसे भी जीवन में ट्विस्ट आते रहते हैं और करना पड़ता है. तो अब उसका ये बहुत सारे धर्म से बड़ी योग को भी धर्म से जोड़ दिया गया है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्चुअली ही बिलीव्ड इन वेरी टू काइंड ऑफ धर्म, से द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट प्रोफाउंड इमोशन वी कैन एक्सपीरियंस इज द सेंसेशन ऑफ द मिस्टिकल. इट इज द सावर ऑफ ऑल ट्रू साइंस. मिस्टिकल का मतलब वही जिज्ञासा, जो चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको और पता करना है. धर्म का मतलब नहीं कि हम इस तरह का पूजा करते हैं, इस तरह का पगड़ी पहनते हैं, इस तरह की टोपी लगाते हैं, इसको धर्म नहीं कहते हैं. धर्म कहते हैं कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आप उसको और प्राप्त कीजिए और प्राप्त कीजिए. तो दैट्स व्हाट ही सेड, ही टू हूम दिस इमोशन इज स्ट्रेंजर हू कैन नो लॉन्गर वॉन्डर एंड स्टैंड रैप इन ऑ इज एज गुड एज डेथ टू नो व्हाट इज इम्पेनिट्रेबल टू अस really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms. This knowledge, this feeling, is at the center of true religiousness. अब वो religion अंग्रेजी का शब्द है, उसका उसकी उत्पत्ति दूसरी है, आप लोग पता कर सकते हैं. और जो धर्म है वो दूसरी चीज़, लेकिन हम यहाँ धर्म के बारे में I think he that's what he means. But as a scientist, I somehow have difficulty that everything cannot be science. It is difficult to accept all things mystically without direct experience. Direct experience by yoga you can do. You can do a lot of experience by including knowledge comes to you. I don't have a whole lot of experience, but I have some experience of that after 18 years of practice. The knowledge, if you can close down your mind, you can become niskam, things come to you. As needed, actually, believe it or not. As they are needed, they come to you. Religion has had bad history with science. There is nothing that cannot be approached scientifically if one is willing to develop appropriate science, which is what is Sanskrit can help us to do. Sanskrit is the only one. जैसे उसके मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में यहाँ पे. साइंस को वो एक परिभाषा साइंस के किसकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट पे आधारित होनी. लेकिन मैं साइंटिस्ट होके बता रहा हूँ कि हम लोग क्या ऑब्जेक्ट है वो तो मैं डिसाइड करता हूँ. किस ऑब्जेक्ट पे मैं बात करूँ, मेरे स्टूडेंट्स आज तक कोई स्टूडेंट मेरा नहीं आया जो ये कहे कि मेरी थ्योरी गलत है. वो अपना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता जो मेरी थ्योरी सही हो, तो उसको अपनी डिग्री चाहिए. अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं आपकी डिग्री गलत है, आपका हाइपोथेसिस गलत है, तो मैं उससे 15 साल काम करवाऊँगा. क्योंकि मैं मेरे अंदर ये तो अभिमान है कि अहंकार तो है कि मैंने जो किया वो सही होगा.
तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन उद्देश्य ऑब्जेक्टिविटी का ये था कि अनबायस्ड होना चाहिए, वी शुड नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू जो भी आइडिया, तो उसके लिए आपको निष्काम कर्म ही करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ भारत में कि जो हमारे यहाँ पे है, हम तटस्थ भाव से काम करें अपने आप, तो ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, यू कैन बी वेरी सब्जेक्टिव बट यू हैव टू बी तटस्थ। तो आई ट्राई टू क्वेश्चन ऑल दिस बाय ग्रोइंग माय ओन हेयर लाइक दैट, ऑफ कोर्स आई हैव सम ऑफ दैट आल्सो बियर्ड, इट हैड डिडंट वर्क दैट गुड, सो आई मेड दिस वन, इट लुक्स बेटर, मे बी पीपल विल बिलीव मी, एंड इवन इफ दैट डजंट वर्क देन आई मेड अनदर वन, होपफुली यू गाइस बिलीव इन दिस आइडिया एंड बिलीव इन संस्कृत एंड देन यूज संस्कृत टू बिल्ड दिस so that even you can surpass what Albert Einstein, you know, he's a great 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 man. अब वो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अमेरिका में ये एक निकलता है पेपर, वहाँ पे जर्नल है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, वेरी हाई हाई जर्नल, वहाँ पे लोग भगवान के बारे रिलीजन के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि जो आप सोचते हैं और जो भगवान सोचते हैं उनमें क्या फ़र्क है, उनका उद्देश्य है। तो उन्होंने issues like euthanasia, abortion, homosexuality, things like that, and they wanted to know what you think and what others think, what is the difference, and they did not want to ask this, they wired people up so they can find out whether you exactly what you're thinking. So if you see here two spots, that would mean that you're thinking different. If you see bigger spot, that means you're thinking bigger different. If you see no spot here, that means you're seeing the same. When they asked them what you think and what Americans think, they found about these moral issues, they found there is a lot of difference. They asked them what God thinks and what typical American thinks, they found even bigger difference. When they asked them what you think and what God thinks, no difference. Do you remember, does it remind you of something? Aham Brahmasmi. Matlab hum jab hum hai wahi God hai. Ye unke haan ise aisa उनके यहाँ से अभिव्यक्ति नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट दे बिलीव, दे बिलीव गॉड इज समवेयर सिटिंग सम प्लेस एंड ही क्रिएटेड अस, द हमारे यहाँ की आइडिया है गॉड हमारे अंदर ही होता है, वो सबके अंदर होता है, सिर्फ ये हमारे अंदर नहीं होता, सबके अंदर कण कण में भगवान होता है। सो नाउ इफ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू विल कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, आई कुड गो इन वेरी डिटेल अबाउट दिस बट आई एम सेइंग दैट इवन मॉडर्न साइंस इज एबल टू डू सम ऑफ दीस थिंग्स। दिस वन आई took out from Heisenberg's book. Heisenberg, I mean, some of you probably cannot read from there because I think the light is such here. But Heisenberg is Heisenberg Uncertainty Principle. You know that many of you probably, some of you may have had experience with it. So he got Nobel Prize, so at least that should impress you. And what he says here, the instruments of modern science derive from its theory and require a comprehension of that theory for their correct use. Theory rests on philosophical as well as physical assumptions. This is where Sanskrit-based knowledge comes. And then when comprehended, these philosophical assumptions generate a personal and social mentality. Hamare bhav us tarah se paida ho jate hain. And behavior quite different, at points incompatible with the family caste and tribally centered mentality of native Asians, Middle Eastern and African people. Of course, they are thinking they know. They are Western. They are Europeans. But they are thinking that what they think is going to be a problem because यहाँ की thinking दूसरी है, तो यहाँ का science अब तक आप नहीं develop करेंगे तब तक उनके बराबर नहीं हो सकते, ऐसा तो हम सारे लोग उनके पीछे हैं क्योंकि they have developed the science and they have done very good job, I live by that, I practice it, but what I am saying is what I have realized after being there for 35 years, there is so much things that can come from the knowledge that has been created here thousands of years ago and some of it has really actually traveled to the Western world. Some of it is still traveling. Yoga and Ayurveda is one of them. And I'm very happy and very pleased that Western scientists and my colleagues welcome it. You know, you may have problem here to accept some of the things coming from somewhere else, but they don't because they want to advance. So one of the examples that I want to give here is the हमारे यहाँ पे भी धरती माता बोलेंगे तो क्या बात कर रहे हैं, साइंस वाले इसको बात नहीं करेंगे। उसी तरह से उनके यहाँ गाया हाइपोथेसिस, गाया ग्रीक शब्द है, उसका मतलब धरती होती है, अपने ऐसा गौ से मिलता जुलता, गौ को भी धरती बोलते हैं ना संस्कृत में, गौ का मतलब ही धरती होता है। ये 1965 में जब ये आइडिया आई थी वहाँ पे तो लोग उसको नहीं मानते थे, लेकिन अब गाया हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बिकॉज दे थिंक
the earth is alive, and they are able to see the recycling of the thing, just like human beings. But in 2016, I heard here when the people wanted to talk about Shiva as environmentalists, all the science people were very upset because they do not understand, they do not comprehend the symbolism that is available in Indian philosophy. And again, the language is very, very important. I'll give you one example of Shiva later on if I have time. And then you will see how this is related to that Aushadhi mantra, that Aushadhi explanation. So we need to open, and the only people who can open this mind of scientists and maybe even political and administration is Sanskrit people. They have to work very, very hard to be able to explain, to make sure that it becomes useful. When it becomes useful, people are willing to understand it. And one thing that is in our favor, at least in this country, and this is the only country which has this kind of article. Article 51A of the Constitution of India in 1949 says, fundamental duties, it shall be the duty of every citizen of India. And para H says, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. There is no other constitution in the world that has this. You can always invoke this almost anywhere. If people can go to Sabarimala because they invoke equal rights, you can always invoke this right to go anywhere. You say, well, this is my duty to be assigned to have scientific temper, and I want to understand whatever you do. So this is what I'm trying to say, that India has so much opportunity for you. Now I want to give you a couple of examples, which is, again, we are working with Professor Jha on this. The bhasm jo hai, wo, that is a nanomedicine. There's a nanomedicine that was known 2,500 years ago. Now the modern science, including my group, works on this. For last only, this whole idea is only about 25 years old. 2,500 years, or say 25 years. But they are making advancement, we are not. We still think, yeh, the rock path ki baat ho rahi, isko chodo yahan. So you have to do a lot of work, a lot of understanding, a lot of misunderstanding in the Western world, and they detest this idea of bhasm, because this is made of metals, but they do not realize this is made of purified metals or processed metal, if you want to call it. And a lot of studies have to be done. I'm not going to go into details, just want to tell that different kind of studies have to be done, and actually this girl was my student, Sirisa. She did her PhD on this topic. So we did a lot of work in this field where we have proven that actually bhasm acts as a bioenhancer. It helps the drugs to go across your gut, and so you don't need that much medicine, and you will not have that much side effects. So we have actually filed a patent on this also, where we are saying that we can use this to use with the cancer drugs, because cancer drugs create a lot of problems. Some of the problems come because you have to use a lot of them, and they have a lot of side effects. And you know, we talked about bhasma as nanomedicine and all the processes that and myself translated a book. It needs to be published, actually. We got this idea from that, all these steps. We did, you know, here is his picture. He was in one of the meetings where we have tried to understand the mechanism by which it works at the cellular level. And but the point I want to belabor a little bit here, that bhasma is not only just medicine, it's a huge market. Right now, by 2022, the bhasma industry is going to be the silver bhasma, which is what we worked on, $2.54 billion. And it's growing only. It is only growing. And it is being used in many, many industries. And I'll talk about those industries a little bit later. Now, this is this experiment that this guy, Jyotishacharya, did, Dr. Sastri, in Guntur, in Andhra Pradesh. So he shows, actually, I went there, he showed me once how to do it, but he showed me in 2 hours. And he had everything ready. So I went again, because I wanted to see everything how he does, because I didn't know how, you know, the scientists have a little bit skepticism about, especially about Jyotishacharya. So I thought maybe the guy made it up somewhere and he just showed me. So next time I went, I spent 2 days with him, and he showed me every step, how to measure the pH, how to do everything. He had actually a very good lab, and how he did the whole process. And this is him, who showed me that in about 3 hours,
He was able to do everything. Normally these days, it takes 2 days to make it through modern method. It takes 2 days. And we were able to get Bhasma. And now this is him. And in the middle with the white, you can't see from there that much because of light. But you know, his whole team is about 6-7 people. And he's doing very well. Actually, he got some contract from the defense labs. And his Sri Maharshi Research Institute of Vedic Technology, where actually my institute has signed MOU, and I act as their dean for external academic programs when he wants to connect with people outside. And now again, I'm sorry you cannot read this, but this does talk about the global metal and metal oxide nanoparticles market in the whole world by difference, including silver and other things, whatever they're used. Is heavily silver, particularly silver nanoparticles, used heavily in electronics industry to make the motherboards and for the chips and all those kind of things. The total value that they are expecting right now in 2016 was $14 billion. They are expecting 2026 will be $51 billion. Just to give you an idea, the worldwide wheat market is only $6 billion. Now, this is something farmer can do. Why? Because this whole idea, and I don't have time to go over the detail of it, is done through plants. We learn about plants, and you learn about plants through Sanskrit. You just go learn everything that is written in Sanskrit about plant and try to modernize it. Just like Sir J.C. Bose was able to show to the whole world that they have life. Until then, nobody believed it. There is so many subtle things written in Sanskrit literature about plants and how you recognize them, how you think something is drug. So the farmer can definitely do this. This whole process is done in my lab now, actually. Not exactly the process that he does, but we have now expanded it. And you can use different kind of plants. You don't have to use that. You can make different kind of nanomaterials. You can, now we want to do research, actually I'm setting up in my village, actually an institute, to do research of different types of nanomaterials that farmers can make. You just have to tell them, you know, they are fifth grade, fifth standard, they have education, they can make it. And then you can just imagine the total sugarcane, wheat, and rice throughout the world, only $40 billion. Nanomaterials, $51 billion. Why not produce nanomaterials in the villages? And then you give the job to everybody. The whole world will be asking for jobs from you. Why? Well, of course, other people can also make it. This is something that is now going to be published and known. And my group also is working on it. Because India has very different set of fauna and flora. And you have so many varieties of plants. There are 46,000 types of plants. No other country can claim to have something like that. So then you have a superiority of getting your product to be better. And even find use of it. There are so many, if you think of the plane that goes without detecting that, what plane they call it, stealth bomber. It has this nanomaterial on top of it, so that it has different characteristics and the radar cannot detect it. So like that, there are so many other things that you can do. So you know, something like this can create huge business, and this is all based on Sanskrit knowledge. You have to find that knowledge, and you have to be very determined to do that. Now, farmers make the 53% of the employment sector, even in, this is 2009-2010. But agriculture, in terms of GDP, is only 14%. This is 2013, I think, the data is 2013. So there is such a difference, and the farmers are leaving farming and then going to the cities, creating all kind of problems in the cities because they do not have education, and cities cannot absorb everybody. So you want to solve problem, here it is. You have a sector that is huge, you have their contribution very little, that means you will have low wage people available to you if you bring the technology to them, and this is how you start thinking business. Of course, the entire world is not exactly thrilled by that. And it is again, like I said, if I say today is Wednesday, then you should ask, what do I get to say today is Wednesday? So they would not accept it. You say that, oh, we have great things, they will say, what do I get to say that you have great things? So first thing, if you say, I don't even go to you, so they say, I'll criticize you.
So this is what they are searching for science in India's traditional medicine. Actually, the whole article is very derogatory. It's like that these guys are crazy. They're looking for all this in Ayurveda. There is Ayurveda genomics. But it's Mitali Mukherjee who runs this in Delhi, actually. The whole article was written against her. I don't have time to go over this other idea where the India's old traditional medicine just about 200 years ago was taken out by Portuguese and they became very rich. And they became so rich that they bought Brazil. Brazil is the only country, Portuguese-speaking country in South America. Everybody else speaks Spanish. Because they got money from India by selling the spice. Indian medicine means spices. And they were selling that as a medicine. And actually, I use that as medicine. I make every day a kadha in the morning. And that's very helpful to me. And actually, this is becoming very popular with my science colleagues because they hear about it. And I have a video made of it. If you're interested, I'll put it up for you guys to look at it and make it every day. This is something I just want to maybe speak in passing, that this is there is a basis for this Ayurveda, the Prakriti type of males and females. And I'm sure you cannot read everything, you probably don't care also to read, but you can buy my idea that males and females, there are different kind of signal pathways, different kind of genes are available. So again, I want to go back to say that if you are talking about equality, don't do that because you will be in trouble. In America in 1980s, they were used to do only test on men for medical drug development. And they gave the same thing to women. And women get more sick because their physiology is very different. In addition, their size is different and their routine, other things are very different. So it will be foolish. And I don't understand, I just recorded my view on for PCR media today about Sabarimala. It will be stupid to think that, you know, we need to do exactly the same thing that these guys are doing. I want, or these women are doing. Because women physiology is very different. This is very subtle thing to discuss. If somebody is really discriminating you, of course you should not allow that. But you should understand why some things are being done at certain times. And if you were to do that, even just socially speaking, Ayappa is supposed to be a brahmachari, right? The group of women who are saying that they are being harassed by men, why would they like to go to the brahmachari? If the brahmachari doesn't want women to go to him, he should have, there is no consensual. He doesn't give a consensus for you to go there. You shouldn't go there. If he was having consensus, then he would have said, I'm not a brahmachari. And in Indian constitution, and I see Nagin Singh here, Raj Sabha, he was director there, he can tell me if there is a law. In India, deities are considered as persons. They get equal rights. So why? I mean, maybe all the deities will start to Me Too movement, saying that I do not want people to come here. So anyway, the point I'm trying to tell here is there is a difference, and we should recognize that difference. Ayurveda tells this. There is no other system that tells this. Current Federal Drug Administration in America does not distinguish that. They do distinguish between men and women, but they do not distinguish between bath, pit, kaph of men and women. So everybody cannot be given the same kind of treatment because everybody, all of us are very individual. And that only this system of medicine does this. That's why we have set up a Boston Center of Excellence in America, where we are going to have integrative medicine, where we understand each other's system and try to advance that. So that will create opportunity for people with knowledge in Sanskrit. Ayurveda and yoga industry, this is I mentioned a little bit earlier, and I have only maybe 5 minutes to finish my discussion here. So the global market for Ayurveda is 111 billion. 260 billion, that is the estimate. Yoga market, 80 billion, I mentioned. Yoga clothing is 50 billion. World food, which is Ayurveda, I just told you that Portuguese just took spices from here and then made money. So the food industry is your industry. You know, you tell them how, you know, food is considered, by the way, in Rig Veda, it is considered as medicine. You're not supposed to eat food the way we eat. You know, we like to get our taste. It's supposed to be eaten only like medicine. So you don't take paracetamol. You don't take a dozen of paracetamol because you're hungry today. Because you take it as a medicine. Same way, you're supposed to eat like this. We need to create that mentality that you can live without, you know, you don't crave for certain things. You only do what is appropriate, not what you want to do.
So if you really got this idea, you will be holding the whole world's food industry, organic farming, all this kind of stuff. So that's all this thing is open for you. US health budget is $4 trillion. We presented this to Prime Minister of India. That if we alternative healthcare can reduce it to half the budget, because like I said, 80% because of stress. If you remove the stress, you don't have to go to the hospital. I'm just only saying 50%, they could actually remove 80%. And then rest of it, you can even provide some treatment. Assuming only 20%, it will be 800 billion. Agar hum bolte hain 50% nahi ghata sakta, 20% to ghata hi sakta. 800 billion. Hum wo kehte hain uska 25% India ko milega. This is what we presented to the Prime Minister, because he is Gujarati. He always listens to looks for money. We had a meeting with him. So we told him that, look, $200 billion industry, aapka IT aur sab baki jo export, sab mila ke bhi utra nahi ho. Ye aapke haath mein. Aur aapke haath mein tabhi aayega, Sanskrit ka pura gyan hona chahiye, uska integration vidyan se hona chahiye. Hamare jo paramparayen hain, prachin paramparayen hain, unke aadhaar pe samajhne ki vyavastha karein, aur aaj ke computer se usko jode. आधुनिकरण करें, आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे करें, तब यह होगा. और उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत करने के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, डिसिप्लिन करनी पड़ेगी. जेएनयू में आए हैं तो आई नो गेटिंग एडमिशन इन जेएनयू इज वेरी टफ. इफ यू आर हियर, टेक एडवांटेज ऑफ इट. आई थिंक दिस स्कूल इज न्यू. आई कंग्रेचुलेट प्रोफेसर झा टू स्टीयर दिस इन दिस डायरेक्शन. आई होप दैट इट विल बिकम ए सिग्नेचर प्रोग्राम फॉर जेएनयू. आई लास्ट सेप्टेम्बर आई गेव ए टॉक, a public lecture, I think you were one of the organizers, you were not there. Where I said that JNU has not done anything. I come from a school of life sciences. I told them it's life sciences has not done anything. There is nothing that is known in the whole world about JNU other than the protests. And that too, bad protests. We used to do at least good protests. Now people do bad protests. Come on, let's do something. You know, you have an opportunity. This is a great campus. You all have great qualifications. You have great professors here. And there is a great requirement of solving problems. And I think we need to inspire people. And with that, I think you will be able to get there. Now, there are problems to solve. And I think there are wrong solutions. That includes Prime Minister Modi's smart city. I don't like this idea of smart city, because cities are never smart, actually. They need smart people to run them. Otherwise, they are very dumb. You know, yesterday, I think it was the worst pollution in Delhi. This was the news. This has been actually like this before also. First of all, with Indian tradition, this is just this graph here. This one just shows that until 1750, we used to be like 25% of the world's market or GDP. America today is 18%. Dada hai na abhi. So, aap to 25% aapke paas pe tha. Tab sochi kitne bade dada rahe honge aap. To, aisa zyada din ki baat nahi hai. Do, dhai sau saal ki pehle ki baat hai. To, you mean that you can do this? You know, हमारे दिमाग में चीज़ ऐसी भर दी गई है कि वी ओनली लुकिंग फॉर जॉब, वी आर लुकिंग फॉर नौकर बनने के लिए हमको मजबूर, मतलब परेशान है. हमारी सभ्यता ही नहीं नौकरी करने की. बताइए भाई, राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में कितने नौकर हुआ करते थे? वो सिर्फ राजा के यहाँ नौकर हुआ, बाकी सब लोग अपना काम करते थे. तो ये सारी चीज़ समझनी. दूसरा, ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये कैम्बोडिया में तो वो क्या कौन सा मंदिर बोलते हैं, अंकोरवाट मंदिर 1290 में बना था, और 1700 के बाद पता भी नहीं था मंदिर है वहाँ. और उसका कारण ये ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, उसका कारण ये है था कि वहाँ पानी नहीं था. 3-4 साल तो पानी नहीं बरसा वहाँ पर. तो उस लोग सारी टेक्नोलॉजी इधर उधर किए, कुछ नहीं हुआ, वो छोड़ के सब चले गए वहाँ पर. ज़्यादा दिन की बात नहीं, 700 साल पुरानी बात है ये. आपके यहाँ 5000 साल पुरानी बात भी है, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की. वहाँ पर ईंटें थी. मैं गाँव से आता हूँ, पैसे प्रोफेसर झा ने भी कहा, मेरा घर अब तो ईंट का है, लेकिन पहले कच्चा था. तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी जमाने में 5000 साल पहले ईंटें रही होंगी. मैं तो सोच भी नहीं सकता था. सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ. वहाँ पे एक जगह है गंदा नाला, अभी भी गंदा नाला बहता है वहाँ पे, बदबू आती है. लेकिन उस समय इनके कवर्ड ड्रेनेज हुआ करते थे 5000 साल पहले. फिर क्या हुआ? पानी. इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इस भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान में यह है कि हमको नेचर के साथ जुड़ के रहना. आप वो टेक्नोलॉजी लगाओ ना, संस्कृत से निकाल के वो टेक्नोलॉजी लगाओ, जिससे कि हम इस तरह की बातें.
पीछे पीछे स्विच है, नीचे स्विच है, नीचे स्विच ऑफ कर दीजिए। तो हम इस एक नई दिशा हम लोगों ने शुरू किया प्रोफेसर हरिराम शर्मा मिश्रा सर या कीप सिंह शर्मा और योगेंद्र हैं क्या यहाँ पे? हाँ योगेंद्र स्टूडेंट के रूप में इसमें काम कर रहे हैं कि हम लोगों को पंचभूत के आधार पे सोचना चाहिए कि एनवायरनमेंट की क्या समस्या है, कार्बन फुटप्रिंट, गैस, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ो। ये सोचो कि जैसे हमारा, क्योंकि ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जिस तरह से आपका शरीर चलता है उसी तरह हर चीज़ चलती है, उसकी हर चीज़ में बात पित्त कफ होता है, हर चीज़ में पंचभूत होते हैं, तो पंचभूत के आधार पर देखना चाहिए। तो इसमें ये दिखा रहे हैं ये 20th century में 23-fold इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज यूज फॉर बिल्डिंग, कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का दोहन हो रहा है। मैं बोला आपसे दिल्ली का एयर जो था कल इतना बुरा है कि यहाँ लोग, यहाँ हर बच्चा जो पैदा हो उसको अस्थमा होता है, और डॉक्टर जानते हैं दवा क्या करता है? बोलता है दिल्ली छोड़ दो। कोई दवा नहीं, दिल्ली छोड़ दो वही एक ही दवा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदी हवा है। और ये गंदी हवा कहाँ से आई? पहले पृथ्वी तत्व का दोहन हुआ, फिर जल तत्व का दोहन हुआ, जो आपके यहाँ सांख्य फिलॉसफी की बात है। ये तो वो ऐसे तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ से फिर धीरे धीरे पार्टिकल बने, गैस बनी, फिर ऊर्जा निकली उससे, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बनी, ऐसे ही हुआ ना, समुद्र बना उससे पृथ्वी निकली। तो इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ की बात है कि हम आकाश तत्व से पहले होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता है, फिर धीरे धीरे वायु तत्व आता है, फिर ऊर्जा आती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, जब सन की एनर्जी जो है इज बिकॉज ऑफ कोल्ड फ्यूजन, हाइड्रोजन फ्यूजन, वहाँ पे हाइड्रोजन बम दग रहे हैं, हरदम दग रहे हैं, तो उसके वजह से गैस बनी, गैस से ऊर्जा निकली, ऊर्जा से जल बना और जल से फिर पृथ्वी बनी। तो ये बिग बैंग थ्योरी डज नॉट डिनाई व्हाट यू आर डूइंग, सो आई थिंक वी शुड थिंक अगर किसी चीज़ का सृजन इस तरह से हुआ है तो उसका विघटन भी उसका उल्टी तरफ से होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये इसके उसमें थीसिस में मैंने देखा इसने रखा हुआ है योगेंद्र ने, कि हम लोग ये सोचते हैं कि आकाश तत्व से लेके, ज़्यादा इसमें समय नहीं है मुझे आगे बताने का, लेकिन ये देखें कि आप आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, और इसमें आप देखिए कि इसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है। शुरू हुआ है जमीन को बर्बाद करने के बाद, पानी चाहिए, पानी के साथ हमको ऊर्जा चाहिए क्योंकि पानी चढ़ाना है, एनर्जी लानी है, और उसके बाद फिर वायु तत्व का दोहन हुआ तो उसमें प्रदूषण हुआ, और उसके बाद अब अगला क्या होने वाला है? एक्सप्लोजन ही होने वाला है, बम फटने वाला है। इसलिए भारत की हम बहुत सारी परंपराओं को हमको सोचना है, समझना है, और वो ऐसे ही आ सकती हैं जब हम ज्ञान को समझें, जो ज्ञान संस्कृत भाषा में ही है, उसको आप चाहे दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य समझिए। दुर्भाग्य है कि हमारे पास 17 यूनिवर्सिटीज हैं संस्कृत की, और भी संस्थान भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन इनसे अगर अभी ये सभी लोग बोलते हैं संस्कृत और खोलो, क्यों? कि हम और लोग पढ़ाएंगे उसको। क्या पढ़ाएंगे? वही जो पहले पढ़ाते थे वो हम आगे और पढ़ाएंगे। हम तो संस्कृत के प्रेमी हैं, इसलिए अपने को क्रिटिसाइज हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका, हमारा कोई विरोध नहीं संस्कृत, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किया हमने क्या है? आज दुनिया में कोई देश नहीं है ना कोई भाषा है जिसके लिए 17 यूनिवर्सिटीज खुली, सोच लीजिए। और हमने क्या किया? ये सब लोग अपना चोटी वोटी बांध के बैठते हैं और वही मंत्र बताते रहते हैं, कभी दूसरे को इंटरेक्ट करके देखिए इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप इसका, संस्कृत विल बी सस्टेन ओनली बाय दैट, एनीथिंग इज सस्टेन ओनली बिकॉज इफ यू यूज इट, इफ यू डोंट यूज यू लूज इट, चाहे दिमाग हो, चाहे शरीर हो, चाहे जो भी, जो एवोल्यूशन की पूरी कॉन्सेप्ट है। तो उसी से ज्ञान, हमारा ज्ञान बनता है, उसी से मटेरियल वर्ल्ड बनता है, और उसी से हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और उसी से हमारी नीड्स पूरी होंगी। हमारे पास स्लाइड्स और, जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं पूरी स्लाइड्स हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दीज पॉइंट्स। आई विल बी हैप्पी टू एंटरटेन सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। थैंक यू। सो प्लीज एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक मैं जो सोचता हूँ इस विषय में, भारत की जो दुर्दशा हो रही है, मुझे लग रहा है जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे बहुत बार ये लोग बोलते हैं, खास करके अमेरिका में बहुत बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उनको तो जानते भी नहीं है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका अगर उपयोग करना हम सीखें। चाइना पे लागू नहीं होता ये। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जनसंख्या चाइना पे, मेरा ये है
कि जो हम फूड माने अन्न का उत्पादन कर रहे हैं सारा एडल्टर्ड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिया डाल के, जो आप नेचुरल जिसकी बात कर रहे हैं आज, वो जो मैंने हमारे बचपन का ध्यान है कि पिताजी खाद ही नहीं डालने देते थे, कहते थे गोबर की खाद से पैदा करो, उसमें कम पैदावार होती है, तो आप सबका पेट भी नहीं भर पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, पहली बात ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कि उससे कम, हमको मालूम नहीं कैसे करते, तो उसके उसी का ज्ञान हमको जरूरी है, गोबर को किस तरह से ट्रीट करें। जीरो बजट एग्रीकल्चर शुरू हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर है वो, ऐसा नहीं है कि कहने की खाली कि हम बिना बजट के कर रहे हैं तो उपज नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्टिविटी भी हो रही है। नहीं, प्रोडक्टिविटी जो कर रहे हैं आप ना, वही तो हार्मफुल है। आप नए तरह के बीज, नई तरह के, यदि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हार्मफुल कैसे है? नहीं तो उससे फिर आपका पेट नहीं भरेगा ना? ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन है, बिना प्रोडक्शन के कोई बिजनेस नहीं चल सकता, सर शुरू में ही कहे हैं बिना प्रोडक्शन के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। उससे आप उतनी इनकम ले लेते हो, हो सकती है इनकम, ये मैं कह रहा हूं, या क्वांटिटी उतनी ले सकते, क्वांटिटी भी ले सकते हैं और इनकम भी होती है। दिस इज ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये चल रहा है। और लेकिन प्रोफेसर मिश्रा की क्वेश्चन ये है कि हम ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट मानो 15-20 साल कर रहे हैं, तब तक आधे लोगों नहीं, नहीं, नहीं कितने लोगों को कैंसर हो रहा है इस खाने से, पता है आपको? सब्जियां जो उगा रहे हैं, सब्जियों से हमारा पेट भर रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल खाओ। अल्टरनेटिव सोर्स तो, अल्टरनेटिव सोर्स तो केमिकल को छोड़ कर पंजाब वगैरह की जमीनें बंजर हो गई हैं, क्या क्या हो रहा है? एकदम बातें सही है। देखिए अच्छा एक चीज ये बता, ऑर्गेनिक एक समय हमारे पे, ऑर्गेनिक से हम दूसरे एग्रीकल्चर पे आ गए हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है। Well, anybody else has a question? Students? Yeah, no, please. मेरा नाम भजन लाल है, मैं फाइनल ईयर संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, एमए का। जी सर, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संस्कृत के मार्केट वैल्यू के बारे में बताया। मेरा प्रश्न ये है कि संस्कृत में जो वैल्यूज है, संस्कृत में जो वैल्यूज सिखाती है, ह्यूमन वैल्यूज, उनकी अगर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इसके साथ ही वही हम देखें तो संस्कृत में 17 यूनिवर्सिटीज है, वहीं देश में IITs भी है, NITs भी है ना, तो संस्कृत की यूनिवर्सिटीज़ और IITs में अगर कंपेरेटिव स्टडी की जाए, क्राइम, सुसाइड रेट, IIT में वो इंक्रीज दिखती है, संस्कृत में जीरो के लेवल पे है वो, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज। हाँ ठीक है, रिलेटेड ही सब आते हैं, वो बात सही है, जैसे आप स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं कम से कम डेटा से कि अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो बुराइयाँ कम आती हैं। अब वो तो ठीक है, हम सुसाइड नहीं करते तो कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, GDP में तो कुछ बढ़ता नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आजकल दूसरे का वो लेके बैठे हुए हैं मापदंड, हमारे यहाँ भी हमारी GDP बढ़नी चाहिए, हमारे सारे कई लोगों सरकार में मिल चुका हूँ, सब लोग सिर्फ GDP की बातें कर रहे हैं, हमको GDP बढ़ाना है। तो मैंने एक कोई व्यक्ति, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, एक थे उन्होंने बड़े अच्छे से, नाम याद नहीं रहा, भारत के हैं, उन्होंने बताया GDP परिभाषा कैसे, जैसे आपके घर सामने एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और उसमें आम का फल आता है और आपको खा के संतुष्ट रहते हैं, GDP में जीरो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने कुछ न बेचा न कुछ खरीदा। अगर वो आम आंधी आए और आम का पेड़ गिर जाए तो कुछ GDP बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको काटना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा, अगर वो तो GDP थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप वो GDP वो पेड़ अगर आपके घर पर गिर जाए तो GDP और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको घर को भी ठीक करना पड़ेगा। और अगर 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 घर पे गिरे हो किसको चोट लग जाए तो और GDP बढ़ जाए, अगर एक आध दो लोग मर जाएं तो और GDP बढ़ जाए। तो आप समझ रहे हैं ना, जब जहाँ पे GDP में उसमें कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वैल्यू बताने वाली बात है, ये आलोक द्विवेदी कोशिश कर रहे हैं ये करने के लिए, और उसके बहुत फिलोसॉफिकल वैल्यूज हैं जो कि संस्कृत में ही, कि हमारे यहाँ पे एक है, हमारे यहाँ पे जो है तृप्ति भाव होता है, तृप्ति भाव से हम चीज़ों को करते हैं,
हमारे यहाँ के ऋषि मुनि जो भी ऐसे भी कर्म किए हैं वो तृप्त होके, ये नहीं कि उनके पास सब कुछ है, जो है वो तृप्त होते हैं, तब वो जो विचार आते हैं वो वैज्ञानिक विचार होते हैं, सही सत्य विचार होते हैं। हमारे यहाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिस्टम है वो तृष्णा वाला विचार, आपको किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप कुछ करते हैं, तो इसलिए दोनों में उल्टा उद्देश्य उसमें वहाँ पे, चूंकि हमारे अंदर तृष्णा है, तृष्णा के लिए हम कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, तो बुराइयों को भी बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पर बुराइयाँ हैं लेकिन सोचते हैं हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है। आपके यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, परेशानी वहाँ पर खूब है, परेशानी यहाँ पर भी खूब है, क्योंकि हम तृप्ति वाली बात को बच्चे नहीं जानते हैं, वो तृष्णा का कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते। अगर आप तृप्ति वाली बात बताएंगे, जैसे एक उदाहरण के लिए बताते हैं, विज्ञान में है एवोल्यूशन, उसका उसको मानते हैं जो अपने शरीर को बचा सके और अपने जीन पूल को बचा सके। तो ओसामा बिन लादेन के 54 बच्चे थे और दलाई लामा के एक भी नहीं, या मदर टेरेसा के एक भी नहीं, तो आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन उसके हिसाब से बहुत ही पावरफुल था, जबकि दलाई लामा और मदर टेरेसा कोई उनका एवोल्यूशन ही नहीं था, वो तो एकदम निकृष्ट लोग थे। लेकिन ऐसा सही नहीं है, इसका मतलब हमने प्रायोरिटीज गलत दे रखी, उसको साइंस ने भी इस तरह से मान लिया, बट दुर्भाग्य है कि साइंस इस तरह को मान रहा है। मैं पिछले हफ्ते भी ये अपनी फील्ड में बात हुआ फील्ड में मैंने ये अपना एक लेक्चर दिया था, उसमें बताया सभी को समझ में आया, मतलब साइंटिस्ट भी समझ रहा है कि हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, वो विकल्प आप दे सकते हैं, ये मेरा कहने का, ये विकल्प आप दे सकते हैं कि विज्ञान का मतलब ये होता है आप संतुष्ट रह सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, आप बीमार नहीं होंगे, आपके परिवार में सब बना रहेगा, वो सारी चीज़ें। मैं हमारे पास और चीज़ें थी जिसको कि मैं दिखाने के लिए सोचा था लेकिन समय नहीं है तो नहीं दिखाऊंगा, कि हमारे यहाँ की जो ये व्यवस्था है उसमें भी आजकल जाति पात में बहुत झगड़ा हो रहा है, बस बल्कि उसमें संस्कृत का ही, मैं एक मिनट दिखाई देता हूँ, वो वाला दिखाई दे, ये ऑफ कर दिया गया क्या, संस्कृत का है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कौन कोई ऑन कर सकता है भाई यहाँ पे आके, वो स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार तो कर रहा हूँ, नहीं आप तो नहीं हो गए अतुल और आप, तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, अगर इस सोच की जो आप कह रहे हैं उस सोच को लेके चलेंगे तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, तो हम वैसे ही बताते हैं, छोड़िए कोई बात, उसमें आप वर्ण व्यवस्था है, आजकल कोई नहीं मानता है वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वो जाति व्यवस्था में विघटित हो गई और उसमें इतनी ज्यादा बुराइयां आ गई कि दूसरे एक दूसरे के खिलाफ ही लोग वो क्या बोलते हैं उसको अगेंस्ट नहीं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो भी हिंदी में बोलते हैं भेदभाव, भेदभाव, भेद जाति भेद, लिंग भेद, दुनिया भर की सारी चीजें, क्योंकि ऐसा होना नहीं, जब आप हम सबको बोलते हैं सबके अंदर भगवान है तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये भाव पहले पैदा तो हो, तो अब लोग ये लोग सोचे कि वर्ण को मानते ही नहीं, भगवत गीता को छोड़ देते हैं कोई मतलब नहीं, तो कोई भगवान से जैसे नौटंकी बात से करके चले गए, छोड़ो उनको, उनसे क्या लेना देना है, आजकल हमारे पास अब कंप्यूटर है इससे हम काम करेंगे। उसमें मैं आपको संस्कृत का एक बात बताता हूँ, जो कि हम लोगों ने अपर्णा धीर हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कम से कम 25-30 किताबें देखी, सबका ट्रांसलेशन देखा वर्ण के बारे में, चारों वर्णों की व्यवस्था तो ही आप तो जो जानते हैं गुण कर्म विभाग सा है, फिर उसमें ब्राह्मण की व्यवस्था लिखा हुआ है कि समो तपो क्या है समो तपो दमो समो दमो तपा सोचन शांति राज मेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑपरेटिव थिंग, ये सारे गुण होने चाहिए लेकिन स्वभावता होनी चाहिए और आपके कर्म भी होने चाहिए, तभी आप ब्राह्मण हैं, आपको मिलेगा कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं। अच्छा हम इतने डिटेरियोर कर गए हैं अपने को तो इससे परिभाषित करते हैं कि इसका मतलब ये होगा, ऐसा है नहीं। उसी तरह क्षत्रिय के है कि सौर्यम तेजो धृतिर दाक्षिण युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभावजम, वो लोग बोलते हैं पुलिस वाला आज क्षत्रिय है, घूसखोर क्षत्रिय कैसे हो सकता है सोच लीजिए, तो गलत चीज हम बोलते हैं। उसी तरह से कृषि गौरक्ष बोल दो, गौ की रक्षा करने की कोई बात ही नहीं, नहीं बोलता, भगवत गीता में लिखा कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, वैश्य कर्म स्वभाव, तो ये यहाँ तक तो सब लोग मान लेते हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आखिरी वाला मुश्किल वाला है, उसमें है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र से भी स्वभाव, तो लोग बोलते हैं इनका काम है दूसरों की सेवा करना, यही है ना, लेकिन वहाँ लिखा हुआ अपी,
जो कि बलराम सिंह ने पकड़ा, क्योंकि मैं साइंस का आदमी हूँ। अपी का मतलब होता है भी, अगर ऐसा होता इनका ही तो ये होता है सुदृश्य स्वभाव। जब भी है इसका मतलब बाकी तीनों लोगों का भी स्वभाव है, मतलब वो तो कॉमन है। सेवा करना तो सबका काम है, उनको ये गुण होने चाहिए, उनके जो गुण बताए गए इनका है, बाकी जो बच्चा ये नहीं कि इनका कोई गुण नहीं। सब लोग बोलते हैं इनको कोई गुण की जरूरत नहीं है। सेवा करने वाला आप जानते हैं डॉक्टर क्या करता है, सेवा। इंजीनियर क्या करता है, सेवा। मैं क्या करता हूँ, अध्यापक भी सेवा करता है। वही तो कह रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा सूत्र मैं हूँ, नौकरी सेवा। और सबसे बड़ा ये हमारा जगह डेमोक्रेसी की बात करें, सूत्रों का सबसे बड़ा ग्रुप है, हम तो हरदम जीत सकते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं कर सकते, वैश्य क्या करेगा जब सूत्र नहीं होगा, तो काम करने वाला कोई नहीं, किसका वाणिज्य होगा, क्षत्रिय किसकी रक्षा करेगा, ब्राह्मण किसको ज्ञान देगा। ये गलत चीज सोचना है ब्राह्मण ऊपर है, उल्टा है। सूत्र सबसे बड़ा, आज के डॉक्टर इंजीनियर इसी को सब बड़ा मानते, प्रोफेसर को भी बड़ा मानते ना, हम तो नहीं मानते कि जो पंडित जी पुजारी कर रहे हैं जितना चाहे, जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कितने बिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस है, लेकिन मानता तो सब डॉक्टर को ही है। तो ये बात जो है संस्कृत की बात है, हमारे समाज में इस तरह की अराजकता फैला दी गई है। और क्योंकि हमारे आप लोग तो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं यहाँ पे, ये आप नहीं करते होंगे, लेकिन ये सारे समाज मतलब राजनीति वाले यही कर, राजनीति इसी की हो रही है। तो इन सब चीजों को हमको जिम्मेदारी लेके उठाना पड़ेगा। तो सोशल चीजें हैं, फिर राजनीति लंबी हमारी कहानी, राजनीति पर भी बहुत लंबा मैं दे सकता हूँ इस पर लेक्चर की राजनीति में कैसे किया जाए। हाँ राघवेंद्र आपको सवाल है, फिर आप आए। नमस्कार सर, बहुत अच्छा रहा आपका। मेरा क्वेश्चन सर ये है, जो अभी इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को लेकर क्वेश्चन उठा, कुछ लोगों ने उठाया कि जो भारतीय बौद्धिक परंपरा में आजकल जो हम लोगों में मतभेद आ गया और मनभेद भी आ गया है, हम लोगों ने स्वयं के जो शास्त्र रहे हैं उनका अपमान करना शुरू कर दिया। आपस में कोई पाली का अपमान कर रहा है, कोई प्राकृत का अपमान कर रहा है, कोई अभ्रंश का अपमान कर रहा है, और उसके चक्कर कुछ लोग संस्कृत का अपमान कर रहे हैं, उसी में कोई अपने को वैदिक दिखाने के लिए बुद्धिज्म का अपमान कर रहा है, कोई जैनिज्म का अपमान कर रहा है, कोई जो तंत्र ज्ञान परंपरा रही है उसका अपमान कर रहा है, और जो ऐसे बहुत सारी शास्त्रगत परंपराएं हैं भारतीय बौद्धिक परंपरा में, उसका बड़े बड़े विद्वान तक अपमान करते हैं, उस शास्त्रों का बड़े बड़े विद्वान तक मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब क्या, वेद का मजाक उड़ा रहे हो, पूरी भारतीय बौद्धिक परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो। ये जो मजाक उड़ाने वाली जो परंपरा आई है, जो अपने पूर्वजों का अपमान करना, अपने शास्त्र का अपमान करना, इसका निदान हम कैसे करें? ये सारी मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है बैठिया, ये अज्ञानता बस होता है। जिसको इसका ज्ञान है ये जिम्मेदारी उन्हीं के, अगर हम इनको अज्ञानी को बोलेंगे कि वो सुधर जाए, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको जो बड़े होते वही समझाते हैं। बच्चा कई बार गलती करता है, वो आपके ऊपर टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, चिल्लाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम उसको समझ के अपने आचरण में लाकर हमारे इर्द गिर्द जो बातें करनी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम करके, एक देखिए राम तो एक ही थे, कृष्ण भी एक ही थे, ऐसे तो कई बहुत सारे हमको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है कि एक इंसान खड़ा होके सबके सामने कह के, हमने पहले कहा था पता नहीं तब उस समय आप यहाँ थे कि नहीं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे से ही आप हैं, हमसे ही हम हैं, आपसे ही हम मैं हूँ। तो इसमें हम अपना पराया वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से आएगा? जब आएगा जब आप अपने भाई के साथ रह सकते हैं, पहले सीखेंगे तो कहाँ सीखें, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे संस्कृत सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीख रहे होंगे, अध्यापक से सीख रहे हैं, अभ्यास करके सीख रहे हैं, अगर अभ्यास ना करें आप सुनते रहिए तो कब आएगा? तो हमको ये चीज़ें समझना, अच्छी बुरी चीज़ें, पहली बात तो ये ईश्वर की दी हुई हमको मानना चाहिए, क्योंकि बिना बुरी चीज के अच्छी चीज का कोई मतलब नहीं निकलता। क्वेश्चन इज हु इज डोमिनेटिंग, हु इज डोमिनेटिंग, हु इज फॉलोइंग देयर व्यू। अगर बुरे लोग, अज्ञानी लोग अज्ञानता करेंगे तो स्वाभाविक है। अब बात यह है कि ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम डोमिनेट करना चाहें शुरू कर देंगे तो एक व्यक्ति भी, क्योंकि प्रकाश एक ही होता, अंधकार के बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन एक प्रकाश खड़ा हुआ सबके सब, उनको भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। The speed of light and speed of dark is the same. All you have to do is put light and then dark goes away. So I think it may not be that simple answer, but I think that's what we need to work on. So thank you for your presence, and I'm Yogesh. I just finished my master's in Sanskrit. So my question is sort of a statement, like a combined statement. There is a question and a current status. Sure. So why don't we propose such alternative ideas and courses alongside?
So right now, as we see in India, you just mentioned we have 17 universities going on and presenting Sanskrit. But there also, we are not talking about such things that you just mentioned in your presentation. We are just talking about the ancient scripts that we have, and we are asking others just to learn them and forward them. But we are not talking about the applications there in the universities. Here in JNU, we got a platform where we are talking about it. But what about other universities? They are not talking about that. You just mentioned people having those stories and talking about the mantras and all. They are themselves carrying out all this knowledge in a bad manner. They are not respecting it themselves. They are just there for the sake of money and a little bit of respect in the social atmosphere that we live in. So why don't we ourselves and the scholars that we have and the professors, why don't they propose something like that in the universities, not just JNU, other schools, even at like secondary level or elementary level, that this should be there, that we have some labs over here in our campus, our universities, where we are talking about not just science, maybe some linguistic matter. There are people who cannot speak properly, but still, via Sanskrit, we have stated this, that the speech has been improved drastically, and they don't not fumble anymore, and all these things. So why don't we propose such things on a major scale? Because right now we are talking about it in just in a room, but we don't have a global aspect of it until unless we talk about all this on that particular level. Very, very good question. Obviously, I agree with you. The only thing, being in myself genuine, I would say you should start protesting. At least have a competing protest on that. We are planning a meeting of the vice chancellors of 17 universities with the Minister of Education State in JNU sometime sooner. And then they have some of them have assured that they will come. And the goal will be to discuss the curricula. Why is curricula not changing? What can we do to modernize and bring jobs to it? So we are planning something on those. The only thing I can tell you, somebody who has set up a few centers and few institutes, this is it's a slow process because people's mentality changes slowly. They don't mean to do bad things. This is, I think, we have to accept. They're doing because they are ignorant of the things. There are many reasons of it why they have been. So there was a time when the protection of the tradition was the only thing they could do because they were under variety of rules where survival was the only thing. So they learned and they became used to it. So the only thing they are trying to do is pass it on, even though there is no reason to do that anymore. That they should open up and come out. I mean, हमारे यहाँ रात में शादियाँ होती हैं इसलिए कि डरते थे लोग. अभी भी रात में शादी करते हैं क्योंकि डरने कोई बात नहीं है. अपने घर में प्रोफेसर झा बैठ हमारे भतीजे की शादी, हमारा संयुक्त परिवार है. एक और खास बात है, हमारा संयुक्त परिवार है वो 7 generations से भी साथ रहता है. तो अभी हमारे भतीजे के ऊपर मेरी चलती है, ऐसा नहीं कि वो हमारे भाई का बेटा है तो ऐसा नहीं. मैंने कहा कि नहीं नहीं शादी दिन में होगी, 11 बजे बारात गई और 3 बजे वापस आ गई. तो क्या बिना मतलब झंझट उसकी माँ, बल्कि लड़की की बहू की मेरी माँ बोल रही थी कि हमने एक ही लड़की है, इतना हम सोचे थे कि बाजा बजेगा, बैंड बजेगा. हमने कहा बजवाओ भाई, तब आप शादी हो गई उसके बाद तुम बजवाओ, हम भी आएंगे. अगर बैंड बजवाना तो उस तरह से बजो. मेरा कहने का मतलब है कि हम कभी कभी इस तरह से रूढ़िवादी बन गए हैं और उसका एक सही कारण था कभी. अब यहाँ से बात शुरू हुई है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं. जैसे हमने कहा ना, JNU इज अ वेरी स्पेशल प्लेस, इज नोन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मोस्टली बैड थिंग्स. And make it good things. I think, I mean, even there is a controversy, and I have sympathy on both sides about Indic Sanskrit and Indic here on in your school. But that's okay, actually, to have that discussion. Hopefully, that both sides will be always having this idea that because you want to be watchful. Now, Indic has added this opportunity. Now, what Indic will that be? I think Raji Malhotra told me today he's going to come and give a talk on what Indic studies should be done. I established Indic, probably the only academic center, first academic center in the world, that was called Center for Indic Studies. And although the situation in America is different than in India, I realize that in India people can misunderstand this. But opportunity that you should be so happy that you are in this era, in this time, on this campus, in this school, that you should take it forward and march forward. Like I said, have it, you know, come up, start having protests, and not a bad idea. Actually, I had closed down my school for 14 days. That's why I was being rusticated, because I closed it down for 14 days because there was something wrong. And the guy who recommended my rustication became my good friend. That proves it, that there was, now I didn't have any malintentions. So if you don't have malintentions, this is part of learning, that you should protest, you should write it, you should read it, you should tell Professor Jha and Professor Misra and Professor Shukla and others who are on this campus, that you know,
some of these things should be done. And I have already told you, there is $87.5 trillion for you, just waiting. And then Bharat ko guru, vishu guru mana gaya tha. Wo log bolenge aise hi, ye to koi bolta, kya bolte hai Modi ji ko, wo feku aadmi hai. Wo jumla wala aadmi hai. Wo ho bhi sakta hai. Jinne jab aap kuch nahi karenge, jumla kahe jayenge. Lekin kuch satya hai isme. एक उसमें सत्य जो आपके सामने है कि भारत हिंद महासागर एक ही महासागर है जो किसी देश के नाम पर, ये तो आप नकार नहीं सकते, ये जुमला नहीं है, ये सही है. लेकिन क्यों बना भाई? अमेरिका इतना बड़ा देश, अमेरिका महासागर तो नहीं बना. ब्रिटेन इतना बड़ा था, ब्रिटेन महासागर तो नहीं बना. सिर्फ हिंद महासागर ही क्यों बना? ऐसा तो नहीं हो सकता जबरदस्ती मनवाया गया होगा, क्योंकि इनका इतिहास नहीं है कि जाके सबके ऊपर जबरदस्ती मार मार के अपनी बात करवाया. तो कुछ रहा होगा कि लोग आपको मान लिए, और वो बात आप ही, आपका जनरेशन, आपके जनरेशन का आगे वाला जनरेशन ही कर सकता है. हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है एज ए प्रोफेसर्स, एज इंटेलेक्चुअल्स, एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज इनहेरिटर्स ऑफ आवर एंसेस्ट्री एंसियंट नॉलेज. आई थिंक आई एम डूइंग माय पार्ट, आई थिंक प्रोफेसर मिश्रा इज डूइंग हिज पार्ट, प्रोफेसर झा इज डूइंग, प्रोफेसर शुक्ला इज डूइंग, आई फॉरगेट योर लास्ट नेम, प्रोफेसर पांडे. He is doing all of these people, and if we are not doing our job, please knock on our door and saying that you're not doing your job. And I think we will do. I can guarantee that I have met with all these professors, and they are very genuine, very sincere. I've met with professors in other Sanskrit places also. I have told them this. I think we should tell more. But I think your saying will make a lot more difference than what I and other faculty members say. Because students are just like our children, you know. बच्चे आप कोई चीज़ मांगते हैं तो देना पड़ता है ना, चाहे किसी भी कारण से देना पड़े. तो students are just like our children. I think if you ask for in academic sense, in scholarly sense, in business sense, there is always opportunity, and I think we should do that. Go and present these things in conferences. Study it yourself. There is a BAPES conference coming up. I think this time is about शिक्षा. Is that what is that color. Topic? Huh? Art. आर्ट के लिए आर्ट का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, हर चीज का बिजनेस होता है. तो यू नो, यू गो टू दोज प्लेसेस, ऑर्गेनाइज योर ओन कॉन्फ्रेंसेज, इनवाइट सम ऑफ अस. आई थिंक देयर इज अ स्टूडेंट इनिशिएटेड सिंपोजियम हियर, सो गेट इन्वॉल्व इन दैट एंड सेट अप द टॉपिक, इनवाइट द प्रोफेसर, आस्क क्वेश्चंस, गिव देम क्वेश्चंस अहेड ऑफ टाइम, इनवाइट सम अदर ऑफिशियल्स आल्सो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो, दैट दे शुड लिसन टू दिस. देयर इज सो मच, लाइक आई सेड, आई हैव few more slides to show what I think should be done, but I'm sure you got the idea, and I think you will be able to do it. And if there is need, I will be more than happy to come, and I will be more than happy to teach some of the things that I teach here, whether it's in this school or some other school. I'm very committed to this, and I really believe in it, and I think it's going to happen. And if it doesn't happen, the world will be very different. The motivation that my institution, that includes the media sector that I have started, that Anuja Sinha is the director of, is that we are going to change the world. There is no doubt about it. We are going to change the world, and please join us. Thank you. Thank you.